कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। शाम के 5 बज चुके हैं और आज मुझे अभी से ही टाइम मिला क्योंकि दीदी की तबीयत हो रही है ख़राब। दीदी को हो रहा है पीलिया, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारा काम है। तो अभी मैं आई हूँ अपने मडवे के खेत में। तो हम इसको हिंदी में मडुआ बोलते हैं और हमारी पहाड़ी भाषा में इसको हम बोलते हैं मड्डू। और जो कि इसकी रोटियां बहुत टेस्टी होती हैं और बहुत ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। ये बहुत पौष्टिक आहार में एक इसका भी नाम आता है और इसको मोटा अनाज भी कहते हैं। तो मडवे के खेत से निलाई करने के लिए आई हूँ मैं। जो ये वाली घास होती है ना, तो इसके बीच बीच से छोटे छोटे ये पौधे, इनको सारा निकाल करके तो ऐसे वाले मडवे रखेंगे हम यहाँ। तो ये खेत है, बहुत लंबा खेत है ये। तो आज इसकी बारी है, तो यहाँ निलाई करने के लिए आई हूँ। और यहाँ लोगों ने आप देख सकते हो सुअर से बचने के लिए कैसे कैसे घरेलू उपाय कर रखे हैं वहाँ पे। जैसे एक इंसान का पुतला बनाया जिसको बोलते हैं, हम पहले बचपन में पढ़ा करते ना बीजू का, तो ये है बीजू का, आप देख सकते हो। और मैंने आज से पहले ब्लॉग में भी शायद इसको दिखाया था, इसको दिया था मैंने कमला भाभी का नाम। तो ये देखिए सामने से कमला भाभी ऐसी दिखती है, तो ये है बीजू का। और पुराने कपड़े देख सकते हो आप लोग, और पुराने कपड़े भी यहाँ लगा रखे हैं। और ये पूरा का पूरा जो गोबर का यहाँ हम कुनुई हैं गुबरो खाद, जो पहाड़ी भाषा में कुनु हम गुबरो खाद बढ़ा रही हो, जो मतलब गोबर को स्टोर किया जाता है जाड़ों की जो दाल उगती हैं, जैसे कि हो गया मसूर वगैरह के लिए, तो इसको यहाँ स्टोर किया था। तो ये सुअर ने सारा यहाँ फैला दिया है, ये पूरा कर दिया है। और धान की फसल आप देख सकते हो पूरी बर्बाद कर दी है। और यहाँ पे लगे हैं सुंदर सुंदर से चूक, ये देख सकते हो आप, लगभग इस पे 1 क्विंटल चूक लगा होगा। ये देखिए तो इसी तरह से यहाँ भी पूरा चूक का बगीचा लगाया गया है। और ये है हमारी मितिजा का बगीचा चूक का। ये सारे चूक के ही पेड़ हैं जिसको हम नींबू बोलते हैं, पर नींबू अलग होता है, ये बड़ा वाला नींबू होता है। इसको हम पका करके भी बनाते हैं जो बाद में स्टोर आता है गर्मियों के लिए। और ये इसको जो छान के खाया जाता है नमक मिर्च मिला के, वो भी बोल सकते हैं। और इस वाले खेत में लगाए हैं पीड़ों। तो अब मैं फटाफट निलाई कर लेती हूँ, इतना ही घास हुआ है अभी मेरा, तो फटाफट से घास काट लेते हैं। और क्या कहते हैं, आज हमारे गांव में ग्राम पंचायत बैठक भी थी, तो मैं वहाँ भी गई थी 5 मिनट के लिए, कुछ खास हुआ नहीं। तो फिर मैं आ गई थी क्योंकि हमारे घर पे पर्सनल पानी नहीं था, तो मैंने पानी के लिए बोला है, देखते हैं होता है नहीं होता है, होगा तो नहीं मुझे पता ही हुआ। तो चलो पहले हम फटाफट से निलाई कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों मैं आपको मिल रही हूँ सीधे रात को, और देख सकते हो आप रात हो चुकी है। और मैं घास भी लेके आ गई थी घर में, और मैंने आज बनाई है करेले की सब्जी। तो इसमें ना तेल बहुत ज़्यादा हो गया, छोटू सा सब्जी बनाया मैंने आज, क्योंकि मैं और सानू की अम्मा ही है खाने वाले, क्योंकि असुदी नहीं खाएगी ऑयली जी। और अभी मेरा लग रहा है आटा, गेहूं का आटा लगा रही हूँ मैं। तो अब बनाते हैं रोटी सब्जी। और करेला शाग कर पसंद हो मकले बतिया, मैं कहता बिल्कुल ना, पर मैं इसको ना कुछ मीठे चीज़ के साथ खानी पड़ेगी मुझे आज रोटी। और करेले ना बहुत दिनों से मम्मी के घर, जब मैं मम्मी के घर गई थी ना तब से है ये,
मैंने सोचा आज क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। मैंने सोचा था पहले मैं घर जाके आज लौकी बनाऊंगी, पर लौकी कोई आंटी जी आई थी तो उनको दे दी, और अभी फिर ऑप्शन में था करेला, तोरई और बैगन। तो तोरई आलू के साथ तो जो अच्छा नहीं होता, और मैंने सोचा क्यों ना करेला ही खाया जाए, तो आज हमने करेला ही बनाया है। और यहाँ पे मस्त सी आग जली है, और अब लगाती हूँ आटा, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों खाना खा करके मैं आ गई हूँ ऊपर, अब सो जाते हैं, और मेरी बेटी भी सो गई है यहाँ पे। तो मैं लगा रही थी मेहंदी, मेरे को मेहंदी लगानी नहीं आती है बिल्कुल, तो यहाँ पे लगाई थी मैंने, जो कि अब पूरी निकल चुकी है। और सानू ने ना मेरे हाथों से एक थप्पड़ खा लिया, और अभी मुंह देखो इसका, अरे देखिए। तो भाई अब सो जाते हैं, मिलते हैं आपको कल, क्योंकि ये ब्लॉग आज छोटा सा बन गया, तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय। तो दोस्तों सुबह की चाय भी हो गई है, और रात भर इतनी बारिश हुई थी ना, और अभी का मौसम देखो इतना सुहाना सा हो रहा है, अच्छी वाली धूप भी आ चुकी है, तो देख सकते हो आप लोग। और मेरे इतने सारे कपड़े हैं जो मुझे धूप में डालने हैं, पहले मैं इनको धूप में डाल लेती हूँ, और देखो ना कितना अच्छा लग रहा है आज, एकदम ऐसा लग रहा है कि पूरा क्लीन हो चुका है, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत ही सुंदर। और हमारे छत में देखो पूरा ये फिसलन वाला हो गया, ये हाँ पूरा हो गया, क्योंकि हमारे छतों में आना जाना नहीं होता है ना, तभी ये सब खराब हो गया। तो अब मैं पहले कपड़े धूप पर डाल लेती हूँ, और फिर करती हूँ अभी भैंस के गोठ में सफाई नहीं हुई वो भी करनी है, और मैंने मट्ठा भी बना दिया, उसमें से जो मक्खन निकलता है वो भी निकालना है, बहुत काम है। तो आपको मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों सारा काम निपटा लिया है, मतलब भैंस को नहला नहलू के अंदर भी बांध दिया है। अब बनाती हूँ दीदी के लिए हरे मूंग की खिचड़ी, जिसमें सिर्फ नमक डलेगा और कुछ, और देखो जो मैंने कल मेहंदी लगाई थी तो इसमें सिर्फ हल्का सा नमक डालूंगी, तो इसकी खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि उसने कल से कुछ नहीं खाया ना, तो उसके लिए ये वाली खिचड़ी बनाती हूँ। और मेरे लिए वहाँ बना रही है सासू माँ, ओ क्या कहते हैं उसको, रोटी बना रही है, और मुझे भी बकरियों का गोट भी साफ करना है, बहुत काम होना है यार। जब रात होती है ना मैं खुशी हो जाती हूँ कि चलो अब सोने को मिलेगा, एक तो अकेले हूँ ना, अकेले पड़ गई हूँ ना, तो इतना सारा काम हो रहा है, इतना मुझे सुबह का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि किस समय सुबह हो गई और कब रात में सोई। तो चलो पहले खिचड़ी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों दिन के खाने की तैयारी हो रही है, और खाने में आज बन रहा है रोटी और सब्जी, क्योंकि चावल किसके लिए बनाऊँ ना। तो अभी अब मैं पहले मैंने सब्जी चढ़ा दी है, तो अब मैं बनाती हूँ चाय, और ऐसा ही चल रहा है आजकल, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। परसों किस दिन था, कितनी तारीख थी उस दिन, आज से 4 दिन पहले अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ा, कहते अचानक से जाना पड़ा। वो तो हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे हमें मानते हैं अपना, दादा लोग, संतोष दा लोग, उनके घर वाले, सबसे ज़्यादा तो संतोष दा का आभार करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें उतनी मुसीबत में उस समय हॉस्पिटल पहुँचाया दीदी को। तो बहुत ही मुसीबत का सामना झेलना पड़ रहा, बहुत आफत आई है। और दीदी को अभी है पीलिया, जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो धीरे धीरे हो जाएगा ठीक, क्योंकि पीलिया एक ऐसी बीमारी है ना जो शरीर के खून को पानी बना देता है, तो उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और इसी वजह से काम की टेंशन बिल्कुल नहीं होती, काम तो रोज का ही हुआ। और मेरा गला इतने दिन हो गए, दिन के हो गए, महीने हो गए, सही नहीं हो रहे, तो मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि थायराइड में जो होता है, थायराइड की जो असली होती है वो होता है गले में, थायराइड जो हमारा थायराइड होता है वो गले का होता है, तो मुझे वो भी डर लग रही है।
और कोई बात नहीं, भगवान परीक्षा ले रहा है, परीक्षा देनी पड़ेगी। मेरी एक बेटी है ना, वो कर लेती है, नीचे से सिलेंडर ऑफ कर देती है। तो गाइज आज का ब्लॉग आप यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आए, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।